हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख नगर और उनके प्राचीन नाम। आज हम बात करेंगे प्रमुख नगर व उनके प्राचीन नाम। अब क्योंकि ये भी एक लिस्ट है और लिस्ट को याद करने का मैंने आप लोगों को बताया था इनके प्राचीन नाम। लिस्ट को अगर आप लोगों को याद करना है किसी भी लिस्ट को, तो आप लोगों को कार्ड्स बनाने हैं। कार्ड के एक साइड आप लोगों को उसका नाम लिख लेना है, दूसरी साइड आपको प्राचीन नाम लिख लेना है और कार्ड्स जरूर बनाना है इसका, आप लोगों को जल्दी याद हो जाएंगे। अब पहला है आप लोगों का देहरादून। देहरादून, देहरादून का जो पुराना नाम है उसके दो नाम आप लोगों के पुराने नाम है। पहला है आपका द्रोण नगरी और वन नगर, वन नगर। दूसरा दूसरा है आप लोगों का ऋषिकेश। ऋषिकेश, ऋषिकेश के भी दो नाम है, एक तो है आपका कुब्ज ग्राम, आपको याद रखना है कुब्ज ग्राम, और दूसरा है आप लोगों का संत नगरी। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि कार्ड्स आप लोगों को बना लेने हैं। जैसे कि कार्ड के एक साइड आप लिखेंगे ऋषिकेश, दूसरी साइड लिखेंगे कुब्ज ग्राम या संत नगरी, ठीक है। तो आप लोगों के पास जब कार्ड आएंगे तो कार्ड का फायदा यही होता है कि हम दोनों साइड आपको याद हो जाता है। अगर आपके पास में जैसे क्वेश्चन आ गया कि कुब्ज ग्राम किसका नाम है, तो आप लोगों को पता होगा कि ऋषिकेश का नाम है, और अगर पूछा जाएगा ऋषिकेश का दूसरा नाम क्या था या प्राचीन नाम क्या था, तो वो आपका कुब्ज ग्राम होगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। अब आ जाते हैं हरिद्वार। हरिद्वार के दो नाम हैं आप लोगों के, एक तो इसको बोला गया था माया द्वार, माया द्वार, और इसी को गंगा द्वार भी बोला गया है। सॉरी, यहाँ पर लिख देता हूँ गंगा द्वार। इसके बाद आता है आप लोगों का अल्मोड़ा। अल्मोड़ा का प्राचीन नाम क्या था? अल्मोड़ा, आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं आरओ एआरओ की और आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर है आपका 7409287156, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स की डिटेल्स आप लोगों को वहां पर मिल जाएगी। अल्मोड़ा जो है वो है आपका खगमारा पहाड़ी। इसका जो प्राचीन नाम था वो क्या था? खगमारा पहाड़ी। अब अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो थोड़ा सा हमारे लिए वो टफ हो जाते हैं। आगे चलते हैं पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ का पुराना जो नाम है पिथौरागढ़, वो था आपका सोर। नेक्स्ट है आप लोगों का टिहरी। टिहरी का पुराना नाम है गणेश तीर्थ, गणेश तीर्थ, या इसको त्रिहरी भी बोला जाता है, त्रिहरी, त्रिहरी टिहरी, इस तरह से आप लोग इसे याद रख सकते हैं। और पिथौरागढ़ में बहुत सारा शोर होता है, इसलिए आप उसे शोर याद रख सकते हैं, पिथौरागढ़ में शोर, इस तरह से याद आप रख सकते हैं। जागेश्वर, जागेश्वर जो है उसका नाम है आप लोगों का योगेश्वर। अब जोगी और योगी आप लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसे भी याद रख सकते हैं। बैजनाथ, बैजनाथ का पुराना नाम क्या था? वो था आपका वैद्यनाथ, वैद्यनाथ, बैजनाथ, वैद्यनाथ, इजीली याद हो जाएगा आप लोगों को। अब आता है आप लोगों का रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग का पुराना नाम था पुनाड, वो था आपका पुनार। इसके बाद है आप लोगों का जोशीमठ। जोशीमठ का पुराना नाम है ज्योतिमठ, ज्योतिमठ, जोशीमठ का पुराना नाम था। लैंसडाउन, लैंसडाउन का पुराना नाम है कालो डांडा, काशीपुर, काशीपुर, काशीपुर का मैंने पिछली ही वीडियो में आप लोगों को बताया था
इसको बोला जाता है गोविषाण। पुराने जितने भी हैं वहां पे मेंशन किस नाम से है, गोविषाण। फिर है आपका गोपेश्वर। गोपेश्वर को गोथला नाम से जाना जाता है। उत्तरकाशी, उत्तरकाशी को बाड़ाहाट नाम से जाना जाता है। ये आपके कुछ जगह हैं जिनके पुराने नाम हम लोगों ने जाने। तो मैंने आप लोगों को पहले सजेस्ट कर दिया है कि आप लोगों को क्या करना है, इसमें कार्ड्स जरूर बना लेने हैं। कार्ड्स अगर आप लोग इनका बनाएंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को क्या हो जाएगा, याद हो जाएंगे ये सारे। देहरादून, देहरादून का एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देहरादून का नाम था द्रोण नगरी, वन नगर, और ऋषिकेश का नाम था आपका कुब्जग्राम या संत नगरी। हरिद्वार का नाम है मायापुर, या इसे गंगा द्वार भी बोला जाता है। अल्मोड़ा का है आपका खगमारा पहाड़ी। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ का मैंने कहा था, पिथौरागढ़ को आपको शोर से याद रखना है कि पिथौरागढ़ में बहुत सारा शोर होता है। इस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हैं चीजों को। हरी टिहरी, टिहरी जो है, टिहरी को गणेश तीर्थ या त्रिहरी कहा जाता था, त्रिहरी गणेश तीर्थ। ठीक है, आप लोगों को इस तरह से इसे याद रख लेना है। जागेश्वर, जागेश्वर का नाम आप लोगों को याद रखना है योगेश्वर, योगी योगी, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। और बैजनाथ, बैजनाथ रुद्रप्रयाग का नाम था आपका खुनार। जोशीमठ को ज्योतिमढ़ भी बोला जाता है, बोला जाता था। और लैंसडाउन का पुराना नाम था कालो डांडा। काशीपुर गोविशान, गोपेश्वर गोथला, और उत्तरकाशी बाड़ाहाट। तो जब आप इसके अगर कार्ड्स बनाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 मिनट, 10 मिनट से ज्यादा आप लोगों को नहीं लगेगा इस इन सभी को याद करने के लिए। और अगर कार्ड से आप करते हैं तो लाइफ टाइम के लिए आप लोगों को ये याद हो जाएंगे। इसी तरह के जो पूरे ट्रिक्स के साथ में आप लोगों को सिखाया गया है पूरे कोर्स में, तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा, हम आपको वहाँ पर गाइड कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।